लोकसभा चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले सामने आने लगे हैं। विपक्ष तो पहले से ही वोटिंग लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहा था और अब वोटिंग लिस्ट के साथ वोटर आई कार्ड में हुई गड़बड़ी ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। तो चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में किसी तरह की सफाई भी नहीं आ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वोटर लिस्ट और पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के तहत मेघालय में भी मतदाताओं को फोटो वाले पहचान पत्र मिलने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये खबर आ रही है कि कुछ लोगों को दो दो वोटर कार्ड दिए जा रहे हैं, तो कई लोगों को तीन वोटर कार्ड भी दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईडी कार्ड पर सीरियल नंबर भी अलग अलग है, जिससे चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस से ही बीएलओ के माध्यम से मतदाता कार्ड जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं गुरुवार को दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य बीएलओ को एक ही मतदाता का ईपीआई से मिला, लेकिन दो अलग अलग नंबरों के साथ। यानी जहां पहले 8 अक्षर समान है, वहीं अंतिम दो अलग अलग है। जब उससे पूछा गया कि सही नामांकन संख्या कौन सी है, तो बीएलओ ने जवाब दिया कि मैं सच में इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब केवल वरिष्ठ अधिकारी ही दे सकते हैं। अब इसी मामले पर शिलांग के सांसद और मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेंट एच पाला ने कहा, मैं इस जानकारी से हैरान और चिंतित हूँ, मैं इसके बारे में और अधिक पता लगाऊंगा और अगर ये सच है तो निश्चित रूप से बड़ी गड़बड़ी है। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, जिसमें तकरीबन 1.66 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस मामले में क्या सफाई पेश करता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।